मेरे साथ पहले एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे पर मेरे साथ स्टार्ट हुआ था, मैंने 2017 बैच का मेरा डीएलएड था और 2019 में ख़त्म हुआ था वो। तो उस टाइम वैकेंसी आई थी सर टीचर की, आखिरी वाली, इसके पहले जो आई थी उस टाइम ये था कि बस टेट देना है, उसके बाद सुपर टेट आएगा, निकालना है और फटाक से अपना टीचर का करना है। तब जीएस का कुछ पता ही नहीं था और कंपटीशन का भी कुछ नहीं पता था। और सर फिर टेट हुआ था 2000, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, टेट देने के बाद लॉकडाउन लग गया था और वो सबसे ख़राब 2 साल इतने ख़राब। उस टाइम तो एकदम पढ़ाई से इतनी ज़्यादा दूरी कि कुछ पता ही नहीं, जो आता था पहले वो भी भूल गए थे। और फिर मेरी एक दोस्त है बहुत ख़ास और बहुत पुरानी, श्वेता वाजपेयी, आप लोग जानते होंगे, तो उसने बताया कि जय गणेश में वो करती भी थी और उसका रिजल्ट मतलब टेस्ट वगैरह में देखते थे, तो था कि थोड़ा सा देखना चाहिए। और सर हम पहली बार आए थे 2021 में रायबरेली लॉकडाउन के बाद, तो फिर हम सीधा कोचिंग ही आए थे उस टाइम और यहाँ पे देखे पढ़े। और मेरे एक और माइनस पॉइंट है कि भागते बहुत हैं हम एक दो महीने यहाँ किए, फिर नोट्स सर के लिए, हमको लगा नोट्स पढ़ के हो जाएगा, और फिर हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए, फिर आए फिर गए, ऐसे हो रहा था। 2 महीने कर रहे थे फिर 1 महीने गैप मार दे रहे थे, तो ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं तो शायद रिजल्ट बहुत पहले होता। और फिर उसके बाद टेट और सीटेट में हम लग गए थे कि 2021 में टेट हुआ, फिर से सीटेट हुआ था, तो फिर उसमें लग गए, फिर हम इधर छोड़ दिए कोचिंग, लेकिन नोट्स पढ़ते थे। और वो सर का जो टेस्ट वाली नोट्स है वो बहुत काम आती है, आप अगर उसको पढ़ते हैं आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें वो आना ही आना है, उसका प्लस पॉइंट होना ही होना है। तो फिर इधर पेट का एग्ज़ाम लगा था और फिर पेट में जीएस भी बहुत काम आया और ठीक ठाक था, नंबर भी ठीक ठाक था। और फिर लेखपाल का, वो तो हम कूद रहे थे 2 महीने, इधर पढ़ रहे थे कि आरओ पढ़े कि जय गणेश जाए, फिर कूद रहे थे लाइब्रेरी करते सर की नोट्स पढ़ लेते हैं हो जाएगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरे साथ ये गलत था। फिर किसी तरह हो गया, फिर लेखपाल का आया और लेखपाल में भी थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा। सर की नोट्स तो हमेशा पढ़ी हैं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है कि हमेशा से पढ़ी, और टेस्ट तो ज़रूर पढ़ना चाहिए सबको, वो आपका जीएस बहुत ज़्यादा कवर कर देगा। अगर आप डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं से और हमें ऑप्शनल ही एग्ज़ाम देना होता है वनडे वाले, तो वो नोट्स बहुत काम आएगी। तो फिर वही किया, फिर मेरा क्या था कि फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, फिर सर के कांटेक्ट में थे और गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सर बराबर गाइड करते हैं, कोई रेगुलर रहे ना रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर के पास आप कॉल भी करिए तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरे साथ थोड़ा सा और गलत हो गया कि फिर इधर बिहार का आ गया था, अनफॉर्चुनेटली हो भी गया और चले भी गए, और वहाँ पर फिर पढ़ाई थोड़ा सा रुक जाती है आपकी, जब पहली जॉब होती है तो कुछ दिन समझ नहीं आता है, गैप टूट जाता है। और फिर बिहार में भी नोट्स पढ़ रहे थे पर उतना नहीं था, उतना पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और उसी के बाद ये जो हम लोगों का 13 फरवरी को हम लोग लेखपाल का मतलब ये हुआ था ज्वाइन करिए, सलोन मिला है मुझे, तो वहाँ पे बोला गया कि आप रिज़ाइन दे के आइए वहाँ से, तब आपका ज्वाइन होगा। और हम लोग 13 फरवरी को बिहार से रिज़ाइन दे के आ भी गए, और क्या हुआ कि 21 फरवरी को, किसी को नहीं पता था क्या हो जाएगा 10 दिन बाद, और 21 फरवरी को स्टे लग गया, तो अब हम ना उधर के ना इधर के। और ये जो 4 महीने फिर इतना टॉर्चर करते हैं, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आप मतलब भूल जाइए कि आप गांव में रह के आगे पढ़ सकते हैं, अगर ख़राब समय है आपका तो आपके साथ तो कोई नहीं रहेगा, फैमिली छोड़ के शायद ही कोई, शायद ही बहुत अच्छे दोस्त। और फिर हम, मेरी सिस्टर है टीचर है वो बेसिक में देवरिया में, तो हम वहाँ चले गए। और फिर 4 महीने मैंने फ़ोन ऑफ किया, फिर से पढ़ाई की, फिर से शुरू हुआ कि कुछ तो होगा, ये था कि लेखपाल में नंबर ठीक ठाक था, ये था कि चेंज भी होगा कुछ क्वेश्चन तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो टाइम होता है वो कटता नहीं है सर, ये 4 महीने मतलब लाइफ के, इसको पॉजिटिव लिया जाए तो लाइफ इसने सिखा दी है, जो कोई झेला होगा वो जानता होगा, इसने पूरी ज़िंदगी सिखाई है 4 महीने। और मुझे लगता है सबकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जिससे पूरे वो पूरा जीवन सिखा दे जाएगा, हम लोगों की लाइफ में ये 4 महीने थे। मतलब आप एक जॉब में हैं और आप दूसरी जॉब में फाइनल, आपने ज्वाइन भी नहीं किया, आपने पहले छोड़ दी, और तीसरा कुछ पता नहीं है कि क्या होगा कब होगा, आरओ था लीक हो गया, पीसीएस हो नहीं रहा है, और कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, सुपर टेट वाले हम लोग हैं वो अभी होगा नहीं तो ठीक है कैसे भी हो गया, पर ये है कि मेरी बहुत बड़ी गलती कि हम रेगुलर नहीं रहते हैं, ये मेरा माइनस पॉइंट है कि हमको घबराहट होने लगती है कि पहले थोड़ा सा कोई भी जॉब हो जाए, पहले ये था कि कोई भी हो जाए छोटी मोटी, जो कोई अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा मीडियम ही है तो सबको लगता है कि पहले थोड़ा सा हो जाए, कोई एक जॉब मिल जाए फिर हम बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे,
ऐसा करना नहीं चाहिए पर कभी कभी करना पड़ता है। तो इसलिए अभी भी हम नोट सर की पढ़ रहे हैं, हो सकता है रेगुलर अभी भी ना हो पाए हम, क्योंकि अभी तो मिल ही गया, उधर इतना दूर आ भी नहीं सकते गाँव से, लेकिन ऑनलाइन कोशिश करेंगे रहेंगे। और सर की नोट्स तो हमेशा, हम कोई रेगुलर रहे ना रहे, नोट्स आपको हमेशा पढ़नी चाहिए। और ठीक था ये 4 महीने, विवेक भैया, नंदिनी जी, सबके लिए बहुत सीखने वाले 4 महीने थे, मेरे लिए भी थे, पर ठीक है। भगवान अगर आपको कहीं लाके, अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है तो वो मिलेगा आपको, कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से रिजल्ट लेके आइए। अभी हम लोग बहुत तीर नहीं मारे हैं लेकिन ठीक है, थोड़ा सा भीड़ से थोड़ा सा साइड में आ गए हैं अभी, और आगे सर के गाइडेंस में रहेंगे, आगे अगर समय मिलता है तो रेगुलर हो भी जाएंगे, नहीं तो गाइडेंस में तो रहेंगे हमेशा, और भगवान चाहेंगे तो कभी और रिजल्ट लेके आएंगे यहाँ पे। थैंक यू।